गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में ओमेगा भाई की जो न्यू टीम है, न्यू टीम का 23 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा चिकन है, बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं हम सीधा ये मैच की तरफ, देखते हैं आगे टीम्स किस तरीके से खेल सकेंगी। बाकी यहाँ पर प्रीमॉक्स के आसपास ऑलरेडी कुछ फाइट्स यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है और लेट्स सी कि टीम्स यहाँ पर किस तरीके से इस मैच में यहाँ पर खेलेंगी और कैसे वो कुछ फिनिशेज टीम्स के साइड से सिक्योर किए जाएंगे। टीम इम्प्रिंट के हॉकाई फिलहाल के लिए यहाँ पर बीस टी को डाउन करेंगे और अब उनके अगेंस्ट भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशेस यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। बट राइट नाउ यहाँ पर केजी जो है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और अब अगेन टीम्स की तरफ से वो कोशिश हो सकती है कि कुछ ना कुछ और भी फाइट्स यहाँ पर जो है वो बनाई जा सके और इस मैच से कुछ ना कुछ सो राइट नाउ सिम्प के पास में वो एक फिनिश आया और टीम गॉडलाइक अपने तीन प्लेयर्स को इस फाइट से यहाँ पर खो चुके हैं। बट सिम्प की तरफ से वो एक डायरेक्ट स्लामन यहाँ पर वो कोशिश करी जाएगी सिम्प की तरफ से कि वो फाइट यहाँ पर अपने फेवर में यहाँ पर बना सके। फाइनली सिम्प आकर रुके हैं यहाँ पर और देखना होगा सिम्प किस तरीके से उनकी साइड से वो क्लोजिंग जो है वो किया गया और अब यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाकी सभी प्लेयर्स को भी इस मैच से जो है वो कन्फर्म पूरी तरीके से करा जा सके और उनके अगेंस्ट भी फाइट यहाँ पर बनाना चाहेंगे। देखना होगा वो चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल के साथ साथ एक और देखो सिम की साइड से स्पॉट करना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आता है आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट चारों प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव है। मैन एडवांटेज उनके पास में काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगा तो इस चीज़ का वो टीम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ायदा यहाँ से उठाती हुई नज़र हमें आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से वो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक अच्छे फिनिशेज यहाँ पर उनकी टीम के पास में आ सकते हैं। तो फाइनली विजन रिलैक्स को भी यहाँ पर जो है वो डाउन कर दिया जाएगा और फिलहाल एक और टीम वो भी कम्प्लीटली यहाँ पर फिनिश अप हो चुके हैं। नाउ इट्स ऑल अप टू टॉप 10 टीम्स एंड टीम जो है वो क्लोज आ चुकी थी और टीम के पास में जो है वो कुछ ना कुछ और भी फर्नीचर देखने को यहाँ पर आ चुके हैं और अब सर्कल भी स्टार्ट होने वाज द लास्ट गाय बट ही ऑल्सो गेट्स टेकन डाउन फ्रॉम द मैच और देखते देखते फाइट भी 14 फिनिशेस टीम ओमेगा वो इस मैच में भी यहाँ पर अपना डोमिनेशन कंटिन्यू रखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे खासे नंबर ऑफ फिनिशेज है वो इस टीम के पास में यहाँ पर आ चुके हैं और रहते बट स्टिल कनेक्शन वो यहाँ पर मिल नहीं पाएंगे। एक और बार यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए तो बाकी के सभी प्लेयर्स को भी इस बार जो है वो टेक डाउन कर सके। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है बट फाइनली यहाँ पर जॉनी को भी नॉकआउट कर दिया गया था और अब देखते देखते काफ़ी सारी टीम्स बैक टू बैक यहाँ पर जो है वो एलिमिनेट होंगी। नाउ इट्स ऑल अप टू टॉप 8 टीम्स 23 प्लेयर्स अलाइव राइट नाउ दिस मैच और यहाँ से वो डैमेज देने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोनों प्लेयर्स और उनके टीममेट निंजा बॉय के बीस्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ से निंजा बॉय को बैठा कर कुछ और पोजीशंस कर रहा हूँ जहाँ पर मे बी वो लेकर जाना प्रेफर करेंगे। टीम नंबर 23 वो भी टीम्स को जो है वो एक डैमेज देते हैं फाइनली वो एक और बार स्प्रेस डाउन करे जाएंगे और सामने जो है एक और प्लेयर काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं। फाइनली पहला फिनिश उनके इस मैच के यहाँ पर रहने वाले और अब इस मैच से कुछ और भी फिनिशेज की तरफ ये प्लेयर जो है प्रेफर कर रहे हैं बट स्टिल द टीम विल बी ऑन टू द एरिया। 16 फिनिशेस टीम के पास में ऑलरेडी आ चुके हैं और अब इसी के साथ साथ सर्कल जो है वो भी वापस एक शिफ्ट अभी हमें देखने को मिल जाएगा। नाम सोच रहा हूँ राइट नाउ उनके पास में भी वो 16 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं और अब कवर्स में यहाँ पर आएंगे और अब इसी के साथ साथ 20 यहाँ पर रहने वाले हैं। 20 की बात करी जाए तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर वो ग्रेनेड्स वो किस तरीके से यहाँ पर वो थ्रो करे जा सकते हैं बट अब इसी के चलते अगेन एक और बार वो डैमेज है वो यहाँ पर दिया जा सकता है बट स्टिल एक और नॉकआउट वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है बट अगले कॉल नॉकआउट थे उनको यहाँ पर कंफर्म करेंगे। 17 फिनिशेज हो चुके हैं 18 यहाँ पर एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। एक और बार यहाँ पर अपनी रिलोड करके और अब एक और बार वो डैमेज देकर वो एक और नॉकआउट 18 फिनिशेज कन्फर्म हो चुके हैं 19वां उनके जस्ट सामने और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर फेजी जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग पोजिशन के आसपास है बट इसी के चलते अगेन वापस से वो सर्कल जो है वो भी कहीं ना कहीं एक शिफ्ट अभी हमें देखने को मिल सकता है बट फिलहाल
पांच टीम्स 10 प्लेयर्स जी लकी ओपी को भी बीस्ट करेंगे कंफर्म। 19वां फिनिश बीस्ट ने इस बार, वो 14 फिनिशेस के बाद 5 फिनिशेस ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं चारों प्लेयर से, काफी ज्यादा यार आप पिछले, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर बीस्ट को नॉकआउट करा जाएगा और बीस्ट को पूरी तरीके से कंफर्म भी उन्होंने आए पाँच करें अपने डायरेक्टली यहाँ पर डाउन किया जाएगा, बट क्लब को भी डाउन किया जाता है। बट फाइनली ओमेगा कम्स इन एंड टीम हैज टेकन द 20 फिनिशेस मार्क और चारों प्लेयर्स का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता हुआ, एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसका वो कंट्रीब्यूशन ना हो। ओमेगा के वो 4 फिनिशेस, लक के 6 फिनिशेस, निंजा बॉय एंड बीस्ट विद 5 वो कुछ और भी मोलोटॉव यहाँ पर किए जा रहे हैं बैक टू बैक, यहाँ पर वो काफ़ी सारे मोलोटॉव किए जाएंगे, वो पूरी तरीके से वो घेरने की कोशिश कर सामने से प्लेयर ओपन में जाएंगे, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से नॉकआउट यहाँ पर कर दिया जा चुका है। और अब फिनिशेस थे, अब लास्ट प्लेयर रहने वाले हैं और अब एक प्लेयर पत्थर के पीछे यहाँ पर रहने वाले हैं, वो पूरी तरीके से कवर पे थे बट फाइनली और प्लेयर को डाउन करेंगे फिनिशेज और लास्ट एक प्लेयर उनके सामने जो यहाँ पर उनको भी डाउन करके जाते। 8वां फिनिश निंजा बॉय 1v3 क्लच इन दी एंड वो करके जाएंगे और 24 फिनिशेस या फिर 23 या 24 ओके इनफैक्ट 23 फिनिशेस का मार्क यहाँ पर इस मैच से।